चैप्टर 3 कॉग्निटिव प्रोसेस अटेंशन परसेप्शन लर्निंग मेमोरी एंड थिंकिंग, ये हम चैप्टर जो है ये करेंगे। और इसमें जो अपना पहला टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेंटल प्रोसेस, ठीक है ना। ऑब्वियसली हमें मेंटल प्रोसेस को समझना ही होगा जब हम किसी भी व्यक्ति के ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हैं। तो वही कह रहा है, और थ्रू विच वी एक्वायर इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो मेंटल प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमें किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को समझने से पहले उसके मेंटल प्रोसेस को हमें समझना होगा, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिले और हम उसको समझ सकें, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर दोज प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो प्रोसेस कौन है, ठीक है ना। थ्रू विच वी अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, जिसके जरिए हम इस पूरी दुनिया को समझ सकते हैं। देयर इज़ नो सिंगल प्रोसेस। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक प्रोसेस नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ प्रोसेस है, ठीक है। और दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मीनिंग टू दिस वर्ल्ड विच इज़ नोन एज कॉग्निटिव प्रोसेस। तो ऑब्वियसली ये पूरी दुनिया इतना कॉम्प्लेक्स है, किसी बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा जटिल है बिल्कुल, ठीक है ना। और तो इसको समझने के लिए एक प्रोसेस तो होगा नहीं, कलेक्शन ऑफ प्रोसेस ही होगा, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं कि कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कलेक्शन ऑफ प्रोसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मीनिंग टू दिस वर्ल्ड, जो इसको मीनिंग देता है, ये जो कलेक्शन ऑफ प्रोसेस है रिस्पॉन्सिबल है जो इसको मीनिंग देने के लिए टू दिस वर्ल्ड, जिसको हम कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं। तो हम हर चीज़ क्या है कि कॉग्निटिव प्रोसेस के हिसाब से ही करते हैं, अपने कॉग्निटिव प्रोसेस अब क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ उठता है। तो कॉग्निटिव प्रोसेस आर दोज मेंटल प्रोसेस यूजिंग विच वी एक्वायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंड इट। तो कॉग्निटिव प्रोसेस वो मेंटल प्रोसेस है जिसको यूज़ करके हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, जानकारी इकट्ठा करते हैं इस दुनिया से और उसको समझते हैं। और इस यूनिट में हम इन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं, 5 कॉग्निटिव प्रोसेस को, जिससे अटेंशन परसेप्शन लर्निंग मेमोरी एंड थिंकिंग कहा जाता है, ठीक है ना। इस 5 को हम समझेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गई। कह रहा है कि भाई ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए मेंटल प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या हो कि मेंटल प्रोसेस के जरिए हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो और हम कोशिश कर सकें समझने की। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि वो कौन से प्रोसेस हैं जिससे हम इस दुनिया को समझ सकते हैं। तो क्या है, तो ये एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, कलेक्शन ऑफ प्रोसेस है, ठीक है ना। और जिसके जरिए हमें मीनिंग प्राप्त होता है, इस दुनिया को हम समझते हैं, वो है कॉग्निटिव प्रोसेस। अब कॉग्निटिव प्रोसेस वो आर प्रोसेस आर दोस मेंटल, वो मेंटल प्रोसेस है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। तो मेंटल वो कॉग्निटिव प्रोसेस वो मेंटल प्रोसेस है जिसके जरिए, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं इस दुनिया के बारे में और उसको समझते हैं। और इस यूनिट में हम 5 जो अटेंशन परसेप्शन लर्निंग मेमोरी एंड थिंकिंग, इन 5 को समझेंगे कि आखिर ये है क्या। अब सबसे पहला है अटेंशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि राइट नाउ, ठीक है ना, एज यू रीडिंग दिस लाइन, जैसा कि आप पढ़ रहे हो तो आपको अटेंशन की ज़रूरत है। आप क्या ध्यान दे के पढ़ रहे हो या देख रहे हो तो अटेंशन की ज़रूरत है, ध्यान दे के देख रहे हो, बिना ध्यान के देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऑफ्टन अक्सर क्या होता है कि स्टडीड बाय कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट अटेंशन हैज़ बीन फाउंड टू प्ले अ वाइटल रोल एवरी रिस्पेक्ट ऑफ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अक्सर साइकोलॉजिस्ट जो है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट
के द्वारा ये स्टडी किया जाता है कि जो ये अटेंशन है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना, ह्यूमन बिहेवियर के हर एस्पेक्ट में, जितने भी पहलू है हर में बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि दिस डिफाइन कर रहा है, तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट और थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। तो इसका अगर मतलब क्या है कि भाई जो कहते हैं माइंड है, अब माइंड के सामने किसी ऑब्जेक्ट या कहते हैं थॉट, ठीक है ना, को क्लियर रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ठीक है ना, ये कह रहा है, ये डिफाइन कर रहा है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट और थॉट क्लियर बिफोर द माइंड। तो ये ऑब्जेक्ट और विचार को स्पष्ट रूप से समझने की एक प्रक्रिया है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब जो ऑब्जेक्ट और जो माइंड मतलब जो विचारे हैं और जो ऑब्जेक्ट है जो हमें कहना चाहती है, उस चीज़ को समझने का क्या कहते हैं, अच्छे से समझने का एक प्रक्रिया प्रोसेस है, ठीक है ना। अब क्यों कैसे है, अब हम किसी चीज़ पे ध्यान दे के किसी की बात हम ध्यान दे के नहीं सुनेंगे तो हम क्या आंसर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना। किसी ऑब्जेक्ट को हम ध्यान से नहीं देखेंगे तो हम कैसे समझेंगे भाई इस ऑब्जेक्ट में क्या मतलब कमी है, क्या है कि हमें लेना चाहिए। हम मोबाइल भी देखते हैं तो मोबाइल को हम बार बार चला के देखते हैं, ठीक है ना, कि भाई ये हमें लेना चाहिए, ये ऐसा है, ये वैसा है, फीचर ठीक है कि नहीं। तो किसी भी चीज़ को हम अगर ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे, ठीक है ना, तो वही एक प्रोसेस है यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स के अनुसार क्या है, तो विलियम जेम्स के अनुसार कह रहा है यहाँ पे कि अटेंशन इज़ फोकसिंग ऑन कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अटेंशन क्या है कि अटेंशन किसी मतलब कहते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर जो कहते हैं कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस है, वो करने का एक प्रक्रिया है। अटेंशन इज फोकसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो मेनली वही कह रहा है, ये भी वही कह रहा है कि एक चीज़ पे फोकस करने का एक प्रक्रिया है अटेंशन। अटेंशन क्या सिखाता है हमें कि इस चीज़ पे फोकस करो, ध्यान दे के, मतलब वही एक प्रोसेस है ये। उसके बाद क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इट इम्प्लाइज विड्रोवल फ्रॉम वन। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य इसका मेनली तात्पर्य क्या है कि एक चीज़ पे अगर हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो दूसरे चीज़ पे फोकस हमें नहीं करना चाहिए, दूसरे चीज़ पे फोकस हटाना है, ठीक है ना। जो मतलब हमें मतलब क्या कहते हैं हमारा अटेंशन भंग कर रही है, हमारे अटेंशन को प्रभावित कर रही है, उसको हटाना है। और यह माइंड द्वारा एक साथ मतलब अलग अलग जो ऑब्जेक्ट या थॉट है वो क्या कर रहा है कि उसको उसमें से एक को, ठीक है ना, एक को समझ रहा है, बस दोनों को नहीं समझ रहा है, ठीक है ना। माइंड क्या समझ रहा है, एक को समझ रहा है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट है तो एक बार में एक ऑब्जेक्ट को समझेगा, ये थॉट है तो एक बार में थॉट को समझेगा क्लियरली अच्छे तरीके से, अब दोनों चीज़ को नहीं समझेगा। तो ये ऐसा ही एक प्रोसेस है, मेनली यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ध्यान दे के समझते हैं किसी भी चीज़ को, तो अटेंशन उसी को कहते हैं। क्लियरली सिंपल डेफिनेशन इसका यही हो सकता है, ठीक है। तो बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ये डेफिनेशन था, ठीक है ना। तो इसमें यही चीज़ कह रहा है कि अटेंशन एक चीज़ पे फोकस करना है और बाकी सारी चीज़ों को मतलब उन चीज़ों को हटाना है, इसका तात्पर्य जो अदर चीज़ों से एक चीज़ पर विड्रोवल फ्रॉम वन थिंग्स इन ऑर्डर टू डील विद इफेक्टिव, उस पर अच्छे तरीके से फोकस करना, ठीक है ना,
अफेक्टिव तरीके से फोकस करना क्या है, एक चीज़ पर फोकस करेंगे तभी अफेक्टिव तरीके से फोकस कर पाएंगे। और इट टेकन प्रोसेस ऑफ वन, मतलब इसमें एक चीज़ फोकस, अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, अलग अलग विचारों पे फोकस करना नहीं है, एक चीज़ को क्लियरली समझना है, उसी को अटेंशन कहते हैं। ठीक है।